Hello and welcome back to Mech Zone. Till the previous lectures, we have already covered the topics of metal cutting and machining. And from now onwards, we shall be studying about our first metal forming process, that is rolling. तो इस लेक्चर में हम अपना रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे और रोलिंग में क्या क्या चीज़ें क्या क्या कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन व्हाट एक्चुअली रोलिंग इज. तो रोलिंग में एक्चुअली होता क्या है, हम किसी भी वर्कपीस या किसी भी मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म कराते हैं बाय पासिंग देम बिटवीन द टू रोल्स. दो रोल्स होते हैं जो रोटेट कर रहे होते हैं, उनके बीच में से हम अपने मटेरियल को भेजेंगे और उसको हम प्लास्टिकली डिफॉर्म कराएंगे. फिर होता है हमारा फोर्जिंग. फोर्जिंग में क्या होता है, द वर्क पीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन द टू अपोजिंग डाइज. दो डाई होती हैं जिसके बीच में हमारे वर्क पीस को हम लोग प्रेस करके उसे डिजायर्ड शेप में लाते हैं. एक्सट्रूजन क्या होता है, एक्सट्रूजन को क्या करते हैं, हम किसी डाई से फोर्स लगाकर या प्रेशर लगाकर उसमें से एक्सट्रूड कराते हैं, मतलब उसमें से हम लोग बाहर निकालते हैं, फ्लो कराते हैं अपने मटीरियल को. और ड्रॉइंग में क्या होता है, ड्रॉइंग इज सिंपली टू डिक्रीज द डायमीटर, मतलब किसी भी वायर को एक्सटेंड करके उसका डायमीटर कम करना और उसकी लेंथ बढ़ाना, दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एज ड्रॉइंग. तो अगर हम लोग टर्मिनोलॉजीज देखें अपनी, तो टर्मिनोलॉजी आपको सबसे बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले इनगॉट होता है, फिर ब्लूम होता है, फिर बिलेट होता है और स्लैब होता है. तो IBBS करके हम लोग इसे याद रख सकते हैं, इनगॉट ब्लूम, सबसे पहले ब्लूम होता है फिर बिलेट आता है. तो इनगॉट ब्लूम बिलेट एंड स्लैब, ये बस हमें ऑर्डर याद रखना चाहिए, IBBS. अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो इट इज डिफॉर्मेशन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्लिपिंग होगी, ग्रेन फ्रैगमेंटेशन होगा, मूवमेंट ऑफ द एटम्स इन द लैटिस डिस्टॉर्शन होगा, मतलब जो एटॉमिक प्लेन्स हैं उनका ओरिएंटेशन बिगड़ता जाएगा और इसका ग्रेन फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन मतलब टूटना, तो ग्रेन्स का टूटना भी होगा, मतलब अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं देयर इज अ परमानेंट चेंज इन द शेप एंड साइज. क्या बल्क डिफॉर्मेशन का मतलब होता है, दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ, जहां पर बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अचीव किया जाता हो, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वर्क पीस चेंजेस विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, मतलब यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, जीरो है, लेकिन जो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा. द रेशियो क्रॉस सेक्शन अपॉन एरिया वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वॉल्यूम जो होती है बहुत लार्ज होगी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज जनरली वेरी स्मॉल, तो हमारा जो रेशियो आ गया ये काफी स्मॉल आ जाता है. फॉर मोस्ट ऑपरेशंस हॉट और वार्म वर्किंग, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, पर फिर भी मैंने यहाँ पर उसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, ताकि क्योंकि हमें ये बेसिक तो शुरू में थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा रोलिंग पढ़ने से पहले. फिर शीट फॉर्मिंग, मतलब किसी भी मेटल शीट पे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए शीट फॉर्मिंग प्रोसेस. द मटेरियल इज ओनली सब्जेक्टेड टू द शेप चेंजेस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंज होता है. द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन टू द वॉल्यूम इज वेरी हाई, क्योंकि यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम, क्योंकि थिकनेस जो है हमारी बहुत कम हो जाती है, थिकनेस बहुत कम हो जाएगी और एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इवेंचुअली हमारा जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होगा और एरिया जो है बहुत हाई होगा, इसीलिए द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन टू द एरिया इज वेरी स्मॉल, ये सॉरी वेरी हाई. तो हमें ये याद रखना है कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम का रेशियो किस में हाई होता है और किस में कम होगा. तो हाई हमारा होगा शीट फॉर्मिंग प्रोसेस में, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम होती है, और लो कहाँ होगा, हमारा होगा बल्क डिफॉर्मेशन में, क्योंकि बल्क डिफॉर्मेशन में आप वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है विदाउट वॉल्यूम चेंज, बट एरिया में काफ़ी चेंज आ जाता है. स्ट्रेन हार्डनिंग की बात करें तो हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना हमने अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में काफ़ी अच्छे से समझा था, जब हमारी स्ट्रेन तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है पर हमारा स्ट्रेस करस्पॉन्डिंगली उसके नहीं बढ़ता, तो हमारा मटेरियल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारा हार्ड हो जाएगा, तो वही होता है फिनोमेना ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग. As grain deformation proceeds, greater resistance to this action results in the increased hardness. Slipping and twinning of the atoms जो होता है उसके खिलाफ एक resistance develop होता है और उस resistance में strain excessively increase कर जाती है और ultimately जो हमारी hardness and strength है material की वो भी increase कर जाएगी. तो ये होता है हमारा formula of strain hardening. अब recrystallization temperature देखें तो it is the temperature at which तो हमारी जो ग्रेन्स होते हैं
they starts to grow. So the minimum temperature at which the completed recrystallization of a cold worked metal occurs within a specified period of approximately 1 hour. ठीक है, तो एक्चुअली ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पे हमारी ग्रेन्स का फॉर्मेशन होने लगता है वो कहलाता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. अगर हमारी वर्किंग जो है वो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव है देन दैट इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग. और अगर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो हम उसकी वर्किंग कर रहे हैं या फिर उस पर प्रोसेसेस लगा रहे हैं, मेटल फॉर्मिंग कर रहे हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कोल्ड वर्किंग. ठीक है, मलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज इन ऑर्डर टू डिफॉर्म अ मटीरियल. कोई भी मटीरियल को डिफॉर्म करें सच दैट इट कैन बी बीटन इन टू शीट्स, उसे पतली पतली शीट्स में बीट करने की जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज कॉल्ड एज मलिएबिलिटी. और मटीरियल हमारा कहलाएगा मलिएबल मटीरियल एंड इट इज केपेबल ऑफ अंडरगोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर. फ्रैक्चर नहीं आना चाहिए और प्लास्टिकली उसको हम डिफॉर्म करा देंगे. लेड, सॉफ्ट स्टील, रॉट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर सम मटीरियल्स इन ऑर्डर ऑफ डिमिनिशिंग मलिएबिलिटी. मतलब सबसे कम मलिएबिलिटी देखें तो हमारी एल्यूमिनियम की है और सबसे ज़्यादा मलिएबिलिटी हमारी लेड की है. ठीक है, डिमिनिशिंग मतलब लेड से अगर एल्यूमिनियम तक बढ़े तो आपकी मलिएबिलिटी कम होती जाएगी. तो अगर आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट मलिएबल, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम इज द लीस्ट मलिएबल. ग्रेन ग्रोथ मतलब जो आपके क्या होता है कि इसमें कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मटेरियल लेफ्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर. एलिवेटेड मतलब हाई टेम्परेचर पे ग्रेन का ग्रोथ होने लगता है. द ग्रेन डज नॉट नीड टू बी प्रिसीड बाय रिकवरी एंड क्रिस्टलाइजेशन, इट मे अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटीरियल्स. ठीक है, इन कॉन्ट्रेरी टू द रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ड्राइविंग फोर्सेस फॉर दिस प्रोसेस इज रिडक्शन इन द ग्रेन बाउंड्री एनर्जी. ग्रेन बाउंड्री में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें भी हमारा रिडक्शन देखा गया. इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ग्रेन ग्रोथ इज नॉट डिजायरेबल, ये डिजायरेबल फिनोमेना नहीं है क्योंकि ग्रेन ग्रोथ से हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स इन इनसॉल्युबल सेकेंड फेज पार्टिकल्स आर इफेक्टिव इन रिटार्डिंग द ग्रेन ग्रोथ. अब डेफिनेट सी बात है, अगर दो ग्रेन्स ग्रो कर रही हैं उनके बीच में कोई इम्प्योरिटी अगर इंड्यूस कर दी जाए तो डेफिनेटली वो ग्रो नहीं कर पाएंगी. तो इम्प्योरिटी को इंड्यूस करा के हम लोग ग्रेन ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रिवेंट ग्रेन ग्रोथ, तो बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल फेजेस. ग्रेन ग्रोथ इज वेरी स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना होता है. तो कोल्ड वर्किंग वर्सेस हॉट वर्किंग के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वर्किंग हम कर रहे हैं अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग, वेयर इज वर्किंग बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कोल्ड वर्किंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकता है, गारंटेड है इस बार 2018 में. एडवांटेजेस ऑफ कोल्ड वर्किंग एंड एडवांटेजेस ऑफ हॉट वर्किंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल्ड वर्किंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉट वर्किंग. बेटर सर्फेस फिनिश हमारी कोल्ड वर्किंग में ऑप्टेन होती है वेर एज पुअर सर्फेस फिनिश इज ऑप्टेन्ड इन द हॉट वर्किंग. ये सर्फेस फिनिश वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोल्ड वर्किंग में आपकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन हॉट वर्किंग में आपकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, अब कोल्ड वर्किंग डेफिनेटली आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर आप हीटिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, वेर एज हॉट वर्किंग में हमें फोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि हमारे जो हीटिंग करने से हमें फोर्सेस कम चाहिए. बिकॉज हीट कर रहे हैं तो आप फोर्स की रिक्वायरमेंट कम है और हीटिंग नहीं कर रहे हैं तो हमें फोर्सेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. हॉट वर्किंग में सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होती. मेन एडवांटेज क्या है, पोरोसिटी मतलब छिद्र जो होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर होता है तो पोरोसिटी रिमूव हो जाती है. द ग्रेन स्ट्रक्चर भी इसमें रिफाइंड हो जाता है आपका. Impurities like slag are squeezed into the fibers and distributed throughout the metal. The mechanical properties such as toughness, percentage elongation, percentage reduction in the area and resistance to shock and vibrations are improved. Main properties जो improve होती हैं वो ये वाली properties हैं. Disadvantages क्या है? Tooling expensive है, poor surface finish होती है और closer tolerances नहीं बनाए जा सकते. मतलब जो आपको exact dimension चाहिए हो सकता है वो आप ना बना पाए क्योंकि thermal expansion के कारण कुछ ना कुछ वर्कपीस का size जो होता है वो alter कर जाता है during the process. और disadvantages of cold working, सबसे पहला क्योंकि यहाँ आप temperature use नहीं कर रहे therefore forces की requirement ज़्यादा हो जाएगी. Ductility कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपकी strength और hardness बढ़ रही है. Strength और hardness एक प्रॉपर्टी होती है और इसके काउंटर पार्ट में आ जाती है हमारी डक्टिलिटी. इन सम ऑपरेशन मेटल मस्ट बी एनील्ड टू अलाउ फर्दर एनीलिंग, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है. ठीक है, सम मेटल्स आर सिंपली नॉट डक्टाइल इनफ टू बी कोल्ड वर्क. हर मेटल को आप कोल्ड वर्किंग नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नॉट डक्टाइल इनफ.
एनीलिंग का मेन फंक्शन होता है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है? एनीलिंग कहीं भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेनली क्या होता है, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस। जब भी आप उसे वर्किंग कर रहे हैं उस पर, तो चाहे आपने हैमरिंग करी, चाहे आप जो भी फोर्सेज लगाई, तो उसके विद इन जो स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, उसको स्ट्रेसेस को हटाने के लिए वी आर यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ एनीलिंग। ड्यूरिंग रिकवरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोल्ड वर्क मटीरियल आर रिस्टोर्ड विदाउट एनी ऑब्जर्वेबल चेंज इन द माइक्रोस्ट्रक्चर। माइक्रोस्ट्रक्चर के जो हमारा उसमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तीन फेजेस होते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन, रिकवरी एंड ग्रेन ग्रोथ, ठीक है? ये थी, सबसे पहले क्या होता है रिकवरी, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन, फिर होता है ग्रेन ग्रोथ। तो ये भी हमारा जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या होगा, रिकवरी होती है, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल्स का फिर से फॉर्मेशन होता है, और फिर ग्रेन ग्रोथ अचीव होती है। तो यहाँ से मेन हमारा रोलिंग शुरू हो रहा है। रोलिंग में जैसे मैंने कि आपको बताया कि हमारा जो वर्क पीस है, मटेरियल है, इट इज़ बीइंग पास्ड बिटवीन द टू रोटेटिंग रोलर्स और इट इज़ बीइंग प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड, ठीक है? और रोलिंग हमेशा हॉट प्रोसेस में आएगा, हॉट वर्किंग प्रोसेस होगी, अनटिल एंड अनलेस ये मेंशन कर दिया जाए कि वो कोल्ड है। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, रोलिंग इज ऑलवेज हॉट प्रोसेस अनलेस मेंशन इट इज कोल्ड। तो फ्रिक्शन बिटवीन, एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों रोल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, और इसी फ्रिक्शन के कारण हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होती है। वैसे तो अगर इसमें देखा जाए तो बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस है, आपकी कंप्रेशन भी है और आपका शियर भी होता है, दोनों होते हैं, शियर एंड कंप्रेशन, बोथ स्ट्रेसेस आर ऑब्टेन्ड इन द केस ऑफ रोलिंग। तो मेटल विल अंडरगो बायएक्सियल कंप्रेशन, चेंज इन द ग्रेन स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर जाने से पहले उसका ग्रेन स्ट्रक्चर कुछ और है, और जब वो रोल्ड होकर बाहर आ रहा है तो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर कुछ और हो गया। नेक्स्ट वी कम टू हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग। अब डेफिनेटली अगर हॉट रोलिंग है तो इट इज डन अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और हॉट रोलिंग या हॉट वर्किंग से आपका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो रिफाइंड भी हो जाता है, पोरोसिटी कम हो जाती है। ब्रेकडाउन ऑफ इनगॉट, सबसे पहले इनगॉट, फिर ब्लूम, फिर बिलेट और स्लैब, ये जो क्रम है ये हमें याद रखना पड़ेगा। हॉट रोलिंग इज टर्मिनेटेड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू अबाउट 50 to 100 अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर 50 या 100 degrees अबव चला गया रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे, तो हॉट रोलिंग वहां पर हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। दिस इज फॉलोड बाय फर्दर हॉट रोलिंग इनटू प्लेट शीट रॉड, मतलब वी आर इवेंचुअली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, मतलब सॉरी सरफेस एरिया इसमें डेफिनेटली ज्यादा होगा, थिकनेस को हम लोग हमेशा रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हम जब रोलर से पास कर रहे हैं तो थिकनेस हमारी रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक गन्ने का जूस जैसे निकाला जाता है, तो गन्ने को हम दो रोल्स में से पास करते हैं, और जो गन्ना एक्चुअली निकल के आता है वो उसकी थिकनेस बहुत कम हो चुकी होती है। कोल्ड रोलिंग में देखें, कोल्ड रोलिंग इज एब्सोल्युटली डन बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, प्रोडक्ट्स आर शीट, स्ट्रिप, फॉइल एटसेट्रा विद गुड सर्फेस फिनिश। हमें पता है कि कोल्ड रोलिंग प्रोड्यूसेस गुड सर्फेस फिनिशेस एंड इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कोल्ड वर्किंग में डेफिनेटली आपकी जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस है वो बेटर मिलती है। क्लोजर प्रोडक्ट डायमेंशंस, ठीक है, क्लोजर डायमेंशंस इसमें अचीव हो सकते हैं, क्योंकि हीटिंग तो कर नहीं रहे, और हीटिंग नहीं करेंगे तो देर विल बी नो स्कोप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे जो टॉलरेंसेज हैं वो बेटर ऑप्टेन होंगे। परफॉर्म्ड ऑन 4 high और क्लस्टर टाइप रोलिंग मिल्स, 4 high मतलब 4 rollers लगा के, जितने नंबर ऑफ रोलर ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा थिकनेस में रिडक्शन हमें अचीव होगा, ठीक है? ये हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ रोलर्स अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो उसमें हमारा कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव पावर भी बढ़ती जाएगी, और हमारी थिकनेस में जो रिडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा हम ऑप्टेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी कम टू अ टाइप ऑफ रोलिंग प्रोसेस, जो सबसे पहला है हमारा रिंग रोलिंग। रिंग रोलिंग में एक्चुअली वी आर प्रोड्यूसिंग रिंग्स, और रिंग जो होता है उसमें जो मोस्ट ऑफ द मास है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द पेरीफेरी। तो हम लोग डायमीटर को बढ़ाएंगे और इसकी थिकनेस को रिड्यूस करेंगे। देखिए एक रोल ये है और एक रोल ये है, तो ये रोल्स एक्चुअली इसका डायमीटर बढ़ा रहे हैं और इसकी थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द शीट रोलिंग। शीट रोलिंग में हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, शीट्स आर प्रोड्यूस्ड सच दैट वी अटेम्प्ट टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन थिकनेस। हम लोग मेनली यहाँ पर थिकनेस को रिड्यूस करते हैं और हम लोग लेंथ को इनहेंस कर, मतलब लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है और थिकनेस को हम लोग यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ रोलिंग। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग एंड वी विल ऑल्सो सी द डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड द डिफरेंट क्वेश्चन टाइप, मतलब जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड हमारे डेटा है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद आर चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल पे पूरा स्टडी मटेरियल
pura video lectures are available absolutely free of cost. So thank you for today. Next lecture mein hum log isi ke aage se continue karenge.